अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ भी नहीं है माँ जी, एक फोटो ही तो है। हो सकता है उनका कोई रिश्तेदार हो। रिश्तेदार नहीं है मम्मी, मैंने खुद सुना था। सीमा आंटी ये फोटो वाली आंटी से कह रही थी कि इन्हें लड़की बहुत पसंद है। बस कर विवेक, बहुत हो गई तेरी बकवास। ये आइसक्रीम फ्रिज में रख दे और तू जाकर पढ़ाई कर। यहाँ बड़ों के बीच में तेरा कोई काम नहीं है, ठीक है? जा। ये उषा उस पर क्यों गुस्सा कर रही हो? वो तो अपने बहन की भलाई ही चाहता है ना। अब आपस में तीर तलवार चलाने का कोई मतलब नहीं है। लड़के वाले आ रहे हैं ना, उनसे सामने सामने पूछ लेंगे। माँ जी, आप लोग यूँ चेहरे मत बनाइए। मैं नहीं चाहती कोई भी गड़बड़ हो। सब कुछ ठीक ही तो लग रहा है। आप लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तो तैयार था, लेकिन ये लेडीज, आपको पता है ना। छूटा नालायक, बाहर लड़की देख रहा था और यहाँ पे बहाने मार रहा है। रुचि बेटा, तुम चश्मा लगाते हो? मतलब तुम्हारी आंखें कमजोर है क्या? हमें पता नहीं था। अब नहीं नहीं बहन जी, ये पावर वाला चश्मा नहीं है, ये वो एंटी ग्लेयर चश्मा है। अब आप तो जानती हैं ना, आजकल के बच्चे हर वक्त लैपटॉप और फोन में लगे रहते हैं, तो आंखें कमजोर ना हो इसलिए लगाया है। अच्छा उज्जवल बेटा, अब तो तुम दो तीन बार मिले हो रुचि से, उसके साथ बाहर भी गए हो और उससे फोन भी कर लेते हो, तो बताओ कैसी लगती है तुम्हें हमारी बेटी? पसंद है ना? क्या अम्मा जी, आप भी? दादी जी रिलैक्स, जिंदगी भर का सवाल है, दो बार मैं थोड़ी वरमाला डलवा लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, अब तुम्हें जितना समय लेना है लो, अब कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे आप लोग और भी लड़कियां देख रहे हैं? नहीं जीजा जी, सिर्फ अपनी रुचि ही है। तो अभी आप आइसक्रीम पार्लर के सामने कौन से फैमिली के साथ थे? ओह, आप लोग उनकी बात कर रहे हैं? हाँ हम लोग आज मिले थे, देखते हैं क्या होता है। देखते मतलब आप लोगों ने हमारी रुचि को देखते हुए लिस्ट में रखा है क्या? ये क्या तरीका है? अंकल जी आप नाराज मत होइए, मैं और रुचि ना दोनों अलग किस्म के लोग हैं। मैंने उसे दिल से मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन क्या है ना, कुछ हो नहीं पाया। रुचि बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे लगता है ना वो शायद मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूं।
उसे चाहिए अपने जैसा कोई सिंपल सा लड़का जो उससे और उसकी बातों को सुने, राइट? ऐसी बात है उज्जवल, तो तुम इसको लेके बाहर क्यों गए और उसको फोन क्यों करते हो? बिट्टी भाभी, सारे जवाब हम ही क्यों दें? आप भी कुछ कहिए ना अपनी बहन और जीजा जी से। मैंने तो पहले दिन ही आपको कहा था कि मुझे और उज्जवल को रुचि पसंद नहीं आई। देखिए उषा जी, हम मानते हैं कि आपकी बेटी सुशील है, संस्कारी है, लेकिन खाली सुशीलता से घर की शोभा नहीं बढ़ती ना। घर का नाम रोशन होता है ना वो बहू की सुंदरता से, जो आपकी बेटी में है ही नहीं। लेकिन बिट्टी भाभी ने कहा दो चार दिन इनको मिलवा लो, शायद पसंद आ जाए रुचि। जीजा जी, मैंने तो अपने रुचि का भला ही देखा था। मुझे लगा उज्जवल दो तीन बार मिलेगा उससे तो उसे पसंद कर ही लेगा। आंटी, जब आपने ये तय कर ही लिया था कि आपको ये रिश्ता नहीं करना है, तो बात आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मैं आप सभी के फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन अब बात को यहीं खत्म करते हैं। चलो। जब तेरी सास खेल सकती है तो फिर रितु की सास क्यों नहीं? अरे नहीं माँ प्लीज, मेरी कोई उम्र थोड़ी ना है ये सब खेलने की। उम्र की तो तू बात ही मत कर, मैं भी ना तेरी माँ हूँ। आंटी, 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 आंटी। अच्छा बाबा बताओ क्या करना। मैं बताती हूँ आपको ना अपनी बहू रितु की एक्टिंग करके दिखानी होगी। बेस्ट दिन था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये कॉन्टेस्ट जीतूंगी। लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, एकदम शॉक्ड हो गई मैं। मैं जहां थी वहां से तो हिल ही नहीं पाई। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड एवरीबॉडी हूएवर हैज हेल्प मी टू रिसीव दिस मिस राजस्थान अवार्ड। क्या बात है? आपने बहुत अच्छा किया। तुझे बुरा तो नहीं लगा? माँ, आंटी, हमें तो लगता था कि आप वो टिपिकल टीवी सीरियल्स वाली स्ट्रिक्ट सास हो, लेकिन आप तो बहुत कूल हो। सही कहा था रितु ने कि आप वर्ल्ड की बेस्ट सास हो। चलो एंजॉय करो। रितु, जब तेरी पूरी फैमिली हमारे साथ एंजॉय कर रही है तो निहार हमारे साथ क्यों नहीं? अरे मैंने कहाँ कुछ बोला है, निहार भैया खुद ही नहीं आ रहे। निहार भैया, अब
आप यहाँ आ गए हैं तो एक गेम खेल लीजिए ना। थैंक्स बट नो थैंक्स। आप अपना दिल संभाल के रखिए, मेरा प्लान बन चुका है, मैं तो चला। बाय लेडीज। बाय माँ। बाय बेटा। अमृता सरप्राइज। रितु दी मुझे पहले ही इनवाइट कर चुकी थी तो सोचा सीधा आके तुम्हें सरप्राइज कर दूं, इसलिए बताया नहीं। अमृता हाय। हाय दी। क्या कर रहा है वहां पे खड़ा खड़ा निहार, जल्दी जाके वापस आ। आ रहा हूं मां। चल। क्या यार अमृता, 5 मिनट पहले नहीं आ सकती थी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ कॉल मी। हाँ रवि। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूं। व्हाट यार तू हर बार ऐसे ही करता है यार, लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल करता है। जा मैं कभी बात नहीं करूंगा तेरे से। बाय। भाभी लगता आपने सच्चे दिल से चाहा था कि मैं आप लोगों के साथ ही खेलूं। एंड मोमेंट पे मेरा प्लान ही कैंसिल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जा फिर। नहीं है क्लाइंट्स खुद को समझते क्या है, ना खुद के वक्त की कदर है ना हमारे। अगर मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता ना तो मैं यहां तक आता ही नहीं। इसलिए कहता हूं बेटा, कभी भी है ना लोगों की बातों पे कम और उनके हाव भाव पे ज्यादा ध्यान दो, मंशा साफ समझ में आ जाती है। ठीक है पापा, अगली बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। खैर मुझे नहीं लगता कि ये डील हो पाएगी, ऐसे में हमें यहां रुक कर तो कोई फायदा तो है नहीं। हम घर वापस चलते हैं, देर रात तक पहुंच जाएंगे। मैं माँ को फोन करके बता देता हूँ कि हम वापस आ रहे हैं। पापा मेहता जी का फोन आ रहा है। स्पीकर पे डाल। जी हेलो। जी मेहता जी कहिए। मम्मी आप रोना बंद करो, ये पानी पी लो। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रुचि, मुझे छोड़। पर तू इतनी बेवकूफ कैसे हो गई बेटा, तुझे नजर नहीं आया वो लड़का तुझे यूं ही घुमा रहा है। अगर तू पहले समझ जाती इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसे, तो आज इतना बड़ा तमाशा तो नहीं होता। अब रुचि क्यों डांट रही उषा, तुम्हें तो घोड़े पर सवार थी ना। पहली ही मुलाकात में तुमने शगुन के लिफाफे तक बना डाले थे। बिचारा विवेक कब से कह रहा था परिवार अच्छा नहीं है, लड़का सही नहीं है, रिश्ता ठीक नहीं है। उसने तो सबूत तक लाके दिए थे, लेकिन नहीं, तुम्हारे आंखों पर रिश्ते की पट्टी बंधी हुई थी, कानों में शादी की शहनाई गूंज रही थी। अपने उतावलेपन में तुमने ये रायता फैलाया उषा, तो अब इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं पापा, गलती मेरी भी है। भगवान ने मुझे बनाने वक्त शायद कुछ गलती कर दी थी। और उसमें से सबसे बड़ी गलती है मेरा चुप रहना। उज्जवल मुझे पहले दिन से ही नहीं पसंद था, लेकिन मैं कभी ये कह नहीं पाई
अगर मैं ये कह देती तो मम्मी की उम्मीद नहीं बढ़ती। लो हो गया ना बंटाधार, अपनी बेटी से तो किसी ने पूछा ही नहीं और न्योता दे दिया बारात को। और इस बिट्टी को तो देखो कैसे जबरदस्ती ऐसे लड़के को हमारी रुचिता के गले मर रही थी। सही कह रही माँ जी, सारी गलती मेरी है, मैं ही सबसे बेवकूफ हूँ। अरे मम्मी यार, आप बेवकूफ नहीं, लकी हो कि उस जैसा फुकरा दामाद नहीं मिला आपको। महा बेकार आदमी था वो, फेक तो इतनी लंबी लंबी रहा था कि लपेटने के लिए हाथ छोटे पड़ गए थे मेरे, जेब में एक धेला नहीं था और बातें बुर्ज खलीफा के। जैसे वेटर या एमएक्स चलेगा, ओ कब आगे बढ़ेगा इंडिया, आज के जमाने में कैश को यूज करता है। अबे धत, अरे आंटी ये देखिए 100% गोल्ड चेन, अरे हाथ लगा के तो देखिए, दुबई की बड़ी मार्केट से लिया है। मम्मी आप ऐसे ही स्माइल क्या करो, दोनों दोनों आप पे बिल्कुल सूट नहीं करते। मेरी बच्ची सोचो भाभी। आई थिंक ये बॉनफायर से रिलेटेड कुछ बना रहा है ना? बॉनफायर मींस हवन कुंड, फायर, फेरे, शादी। मुझसे शादी करोगी? करेक्ट। अब कौन आ रहा है? मैं। बुढ़ा होगा तेरा बाप? ये क्या साधु बाबा बना रही हो तुम, ठीक से बनाओ ना। अरे दीपक है ना मूंछों वाला। मैंने ये मूवी देखी है, बुड्ढा बाप, खूसड़ बाप। बुड्ढा होगा तेरा बाप। यस यस यस, जीत गए हो।
ना, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सीरियसली माँ, आप पापा को अच्छे से जानती हैं, फिर भी प्रतीक जी, एक्चुअली प्रतीक जी, रितु मुझे लगता है कि अंकल को हमारा आना अच्छा नहीं लगा, अब हम चलते हैं, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना। रितु दी, मैं भी चलती हूँ।